अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग क्रश। मैं शबी अली, आज आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल से और बहुत टेस्टी कबाब लेकर आई हूँ जो कि चिकन से बनते हैं। देखिए, मैंने इस तरह का चिकन ले रखा है। ये बिल्कुल तरह बोनलेस तो नहीं है, लेकिन हम लोग इस वाले गोश्त को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। इस तरह देखिए, इस तरह से होना चाहिए। इसको मैं बॉईल करूंगी, इसको मैं कीमा नहीं करूंगी, मैं इसको ऐसे ही बॉईल करूंगी। देखिए, मेरे पास ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं डालूंगी। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं इसको बॉईल होने के बाद डालूंगी। ये मैंने एक कुकर लिया है छोटा सा, मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी ऐसे ही। मैं इनकी हड्डी अभी नहीं निकालूंगी, जब तो ये बॉईल हो जाएंगे तब मैं इनकी हड्डी निकाल दूंगी। अब मैं धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी। जैसे कि मैंने 1 कप दाल ली थी, ये चने दाल है, इसको मैंने धो धो लिया था, इसको भी मैं डाल देती हूँ। ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने पिसा गरम मसाला लिया जो होममेड है, इसको भी मैं डाल दूंगी। मैंने ये 4 सूखे लाल मिर्च लिए हैं, इसको भी मैं डाल दूंगी। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैं डाल दूंगी। मैं 1 प्याज काटा है छीलकर, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मैंने 8-10 कली लहसुन की ली है। मैंने इसमें सारा इंग्रेडिएंट डाल दिया है, बस अब इसमें सिर्फ पानी डालना बाकी है। पानी के लिए मैंने 1 कप का मेजरमेंट लिया है, जो कि मैं सिर्फ इसमें 1.5 कप पानी ही डालूंगी। ये 1 कप मैं डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि चिकन है इसलिए जल्दी गल जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ 1.5 कप पानी। ये इतना पानी इसके लिए सफिशियंट है। अब इसको मैं लेड लगा दूंगी और फिर फ्लेम पे चढ़ा दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया। अब मैं इसको 4 सीटी आने तक इसको बंद रखूंगी। जब 4 सीटी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं इसको फ्लेम बंद कर दूंगी। बाकी प्रोसीजर मैं आगे बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब इसको हम मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। ये मेरा मिक्सर का जार है जो मेरा हमेशा साथ देता है। इसको मैं ऐसे स्टेबल कर लेती हूँ, असेंबल कर लेती हूँ। इसे मैं कीमा काट लेती हूँ, प्याज, अंडे वाली हरी मिर्च ढेर सारी और सब कुछ। मतलब मेरा फूड प्रोसेसर जो है, ये समझ लीजिए मेरी मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। इस ये पूरे मटेरियल को मैं इसमें डाल दूंगी। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैं इसमें डालती जा रही हूँ। हम पूरी तरह निकाल के डाल लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसमें। आप सोच रहे होंगे मैंने इसकी जो उसमें छोटी छोटी सी बोन्स थी वो मैंने क्यों नहीं निकाली। अभी मैं निकालूंगी, मैं इसको पीस लेती हूँ। जब इसको मैं मिक्स करूंगी तो वो मेरे हाथ में आती जाएंगी, तो इजी वे में निकल जाएंगी। ये देखिए, मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। पूरी तरह निकाल देंगे इसको, इसमें पूरी तरह जार में इसको डाल देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं हड्डी क्यों नहीं निकाल रही हूँ, इसकी जो बोन है। मैं इसको पहले अच्छे से पीस लूँगी, जो इसका पेस्ट होगा उसमें जब मैं बाकी मटेरियल ऐड करूँगी तो वो मेरे हाथ में आ जाएंगी। तो मैं इसको धीरे धीरे निकालती जाऊँगी, तो हमारा काम भी इजी हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसमें बिल्कुल भी बोन्स नहीं निकलेंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ये देखिए, हमने इसको पूरी तरह निकाल लिया है। अब हम इसको ढक्कन बंद करेंगे ये इस तरह से, और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हम इसको बिल्कुल फाइन कर लेंगे, कर लिया। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, देखिए हमारा ये बिल्कुल पिस गया है। इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए, हमारा बिल्कुल फाइन हुआ है। इसको हम इस बाउल में निकाल लेंगे, बाकी की चीजें हम इसके बाद करेंगे। जैसे कि हमने ये निकालना है पहले ब्लेड, और इसको इसमें डाल देंगे। जो बचा है वो हम इस नाइफ की हेल्प से निकाल ले रहे हैं। अब इसको ऐसे ही डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें इसको डाल दिया है। हम इसका ब्लेड से निकाल लेंगे और ब्लेड को भी इसमें साफ करके इसमें डाल देंगे, ब्लेड निकाल लेंगे खाली। अब चलिए, इससे पहले बोन्स निकाल लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, इजली बोन निकल रहे हैं।
अगर एक भी बोन होगी तो वो मेरे हाथ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने पीसते टाइम भी कुछ बोन्स निकाली थी इससे, जैसे कि ये देखिए, ये इतनी छोटी सी है फिर भी समझ में आ रही है। मैं जब इसको पीस रही थी तो बीच बीच में मैं इसको निकालते जा रही थी। अब देखिए इसमें बोन्स नहीं है, क्योंकि हमने बीच में भी निकाल दिया था तो इसमें बोन्स नहीं है। हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा जार है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये हमने 6 हरी मिर्च ली हैं जो हम इसमें डाल देते हैं। हम हरी मिर्च इसलिए इतनी ले रहे हैं क्योंकि हम 4 लाल मिर्च इसमें पहले भी डाल चुके थे जी। ये हमने 6 हरी मिर्च ली हैं, हमने 4 लाल मिर्च पहले ही डाल दी थी, लाल मिर्च ज़्यादा तीखी होती है। ये हरी मिर्च हम पहले ग्राइंड करेंगे इसमें। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है, अब हमने इसमें से थोड़ी मिर्च कम, ये देखिए हम इसको बंद कर ले रहे हैं। हाँ अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखिए हमने खोला इसको, इसमें हमने धनिया प्याज और हरी मिर्च सब डालकर चॉप कर लिया है। अब इसको कबाब के मटेरियल में हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने धनिया हरी मिर्च और प्याज इसमें चॉप कर लिए, अब हम इसको कबाब के मटेरियल में मिक्स करेंगे। ये देखिए हम इसमें इसको डाल देते हैं और इसको हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि सबसे सही हाथों से ही मिक्स हो पाता है। ये देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि सबसे सही हाथों से ही मिक्स होता है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मटेरियल को, फिर हम इसकी गोल गोल टिक्की बनाएंगे। आप इसको जो चाहे शेप दे सकते हैं, लेकिन ये टेस्टी बहुत बनते हैं। ये देखिए हमारा सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम हाथ धो लेते हैं क्योंकि मिर्च बहुत ज़्यादा तेज है। चलिए मैंने टिक्की बना ली है, अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर दी है, जब तक ये होता है हम चटनी बना लेते हैं। मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ, मैंने इसमें 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक डाला है और आधा नींबू का रस डाला है, और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, सफ़ेद जीरा। हमने इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। थोड़ी दरदरी सालसा टाइप हमको चाहिए। ये देखिए हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। मुझे ऐसी चटनी पसंद है, बिल्कुल महीन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए हमारा पैन तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डालना शुरू करते हैं। हम इसको धीमी आंच पे 1 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पलटेंगे। देखिए हमने इसको पलट लिया है, अब इसको यहाँ से भी 1 मिनट के लिए सेकेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि ये जले ना। ये देखिए हमारे कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं ये, हमें बहुत सावधानी से इन्हें निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमारे क्विक एंड इजी कबाब एकदम रेडी हैं, टमाटर की चटनी के साथ
प्याज थोड़ी सी रखी है मैंने इसमें, और मैंने कबाब बिल्कुल क्रिस्पी तैयार करे हैं। आपके मुंह में देखकर पानी आ रहा होगा, आई नो बहुत इजी है। जो चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत टफ लगती है, मैं बहुत इजी वे में बना लेती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे अपनी वीडियोस ऐसे ही अपलोड करती रहूं, और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहें, ताकि और कुछ अच्छा बनाने की रेसिपी मुझे मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ सामने पेश होंगी। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।